नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कैपिटल टीवी की तरफ से। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आपके साथ में हूं सृष्टि राय। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्षी एकजुटता की कवायद तेज हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, जिसका समापन 30 जनवरी को होने वाला है। यात्रा के दौरान कई बड़े हस्ती शामिल हुए, तो वहीं कई बड़े नेता भी यात्रा का समर्थन करते दिखे। यात्रा के समापन के लिए न्योता बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने यात्रा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। आइए जानते हैं आखिर क्यों नीतीश कुमार ने यात्रा में शामिल होने से किया इनकार। देश की राजनीति में विपक्ष कितना मजबूत होगा, इस बात का पता 30 जनवरी को चल जाएगा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है। इसे लेकर कांग्रेस की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसमें भारत की तमाम विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया गया है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्षी एकजुटता की कवायद तेज हो रही है, तो वही दूसरी तरफ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस लगातार विपक्षी नेताओं को भी न्योता भेज रही थी। पहले अखिलेश यादव और मायावती ने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस कार्यक्रम में तीन दलों को नहीं बुलाया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप एवं तेलंगाना के KCR और भारतीय जनता पार्टी को इस समापन के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में छोटी बड़ी सभी 24 पार्टियों को बुलाया गया है। अखिलेश यादव, मायावती, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सहित कई दलों के नेताओं को यह न्योता दिया गया। अब खबर है कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में नीतीश कुमार की पार्टी JDU भी शामिल नहीं होगी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के समापन में आमंत्रित होने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को न्योता भेजा गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने यात्रा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है और इस न्योता को ठुकरा दिया है। इसे विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हम इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस को अपना कार्यक्रम पूरा करने दे, फिर हम साथ बैठेंगे और विपक्षी एकता पर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने से जहां विपक्ष के 2024 के मुहिम को करारा झटका लगा है, तो वहीं राहुल के पीएम बनने के सपने को भी झटका लग सकता है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने कांग्रेस के उद्देश्यों का हवाला देते हुए साफ कहा है कि जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे वह भारत अखंडता के लिए और बदलाव की राजनीति के लिए शामिल होंगे, लेकिन जो लोग समापन कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं वह सिर्फ खावा कर रहे हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।